शुक्रवार शाम 6 बजे से राजधानी भोपाल में 2 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसका असर शनिवार सुबह से राजधानी भोपाल में देखने को मिला। जहां समूची राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने राजधानी की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है और आने जाने वाले नागरिकों से घर से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में मैत्री पुलिस की टीम भी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर गश्त करती नजर आई। इस दौरान मैत्री पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने और घरों में रहने की अपील की। या जनता से अपन यही अपील करेंगे कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें। बाकी आप देख रहे हैं कोरोना कितना बढ़ रहा है, तो जनता से यही कहेंगे कि बढ़िया अपने घर में रहें। हम लोग तो लगे ही हैं ड्यूटी में अपनी, उनकी सेवा के लिए। बाकी यही अपील है जनता से। मैम, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह का माहौल आपको अभी देखने को मिल रहा है? अभी तो शांत माहौल है, कोई गड़बड़ माहौल नहीं है। जनता भी समझदार है, सब घर में है। जो आवश्यक लोग हैं जिनको निकलना है बाहर ड्यूटी के लिए, मेडिकल वाले या फिर डॉक्टर्स वगैरह, नर्स वगैरह, वही बाहर निकल रहे हैं। बाकी कोई ऐसा अनावश्यक कोई बात ही नहीं। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।